2014 के चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसान को भाव देंगे, वो उसके उलट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया कि हमारी सरकार किसान को ये देने में असमर्थ है। संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ है वो फैसला लेगा इस बात का कि सरकार को अभी ये बताएंगे 16 को कि हम आपको केवल ये एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म चालू होगी। एग्रीकल्चर में आने वाले तमाम इंस्ट्रूमेंट यानी जो प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू है वो किसान की बराबर बराबर बढ़ती जा रही है, गुणात्मक प्रणाली से उनकी कीमत जो बढ़ाई जा रही है और किसान का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की कीमत ना के बराबर किसान को दी जाती है। क्या सोचा जाए कि 16 तारीख को भारत बंद का अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं, उसके बाद अगर सरकार तब भी नहीं मानती तो एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिलेगी? तो उसमें यही है कि जो बड़ी जो कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ है वो फैसला लेगा इस बात का कि सरकार को अभी ये बताएंगे 16 को कि हम आपको केवल ये एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म चालू होगी। और वो इस 13 महीने के आंदोलन से बड़ी कार्रवाई होगी देश में। तो ये आप लोग जो बंद कर रहे हैं भारत और आप लोग जो बैठेंगे या सरकार को दिखाएंगे तो क्या एक बार फिर से उस दिन बॉर्डर्स वगैरह भरे नजर आएंगे फिर किसानों से? पूरे देश का कोई भी ऐसा सड़क, कोई जिला, कोई तहसील और ये मामला खाली नहीं होगा, पूरे देश स्तर पर हर जगह पर ये कार्यक्रम होगा। जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भी ये बाहरी कार्यक्रम होंगे सब को बंद किया जाएगा। लोग समर्थन में आ रहे हैं बाकायदा। और आप जो सवाल पहले कर रहे थे कि ये जो है ना जुमलेबाजी है, फलाना बाजी है, ये है, वास्तव में आपको जानकारी है, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी आपको भी देना चाहते हैं, आपको पता भी है, क्योंकि ये वास्तव में जुमलेबाज सरकार है, झूठ बोलती है कदम कदम पर, जो कहती है वो करती नहीं है। और सरकार तो कहती है ना कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कहते हैं कि इतने सारे वादे किए थे, बड़े बड़े वादे, वो 370 हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, सारे पूरे करके दिखाए, कांग्रेस के बस की नहीं था ये सब। इन तीनों चीजों की वास्तव में घनी सी जरूरत नहीं थी, वो एक धार्मिक मुद्दा है, 3 तलाक वाला धार्मिक मुद्दा है, उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। 370 का जो सवाल है उस 370 का मायने ये है कि 370 लगने से बाहरी जो तत्व था वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता था, उन प्रतिबंधित था, ये हटाने के बाद वो फ्री हो गए, वहाँ पर उन पर कब्जा किया जा रहा है युद्ध स्तर पर, तो इसलिए ये दुख की बात है। एक मिनट दियो, वास्तव में सरकार और किसान की क्या लड़ाई है, मैं इसका खुलासा करता हूँ। एग्रीकल्चर में आने वाले तमाम इंस्ट्रूमेंट यानी जो प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू है वो किसान की बराबर बराबर बढ़ती जा रही है, गुणात्मक प्रणाली से उनकी कीमत जो बढ़ाई जा रही है और किसान का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की कीमत ना के बराबर किसान को दी जाती है, जिस कारण किसान जो है भीषण घाटे का शिकार होता जा रहा है। और आज की मैं बात करूँ, 7,61,963 किसान 1947 से लेकर आज तक जो है आत्महत्या कर चुके हैं, और उसी का समाधान जानने के लिए स्वामीनाथन आयोग बैठाया गया। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसका मेन कारण किसान के प्रोडक्शन की जो है बाजारू भाव ना मिलना उसकी वजह है, और उसको C250+ के हिसाब से जो है उसका भाव मिलना चाहिए। वो सारी बातें होने के बावजूद और 2014 के चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किसान को भाव देंगे, वो उसके उलट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया कि हमारी सरकार किसान को ये देने में असमर्थ है, ये किसान के साथ छलवा है, किसान के साथ जो है ये धोखा है, और किसान इस बात को समझता है। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक किसान और कमेरे वर्ग को उसकी जो है पूरी उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती। अभी आप देखें पेंशन ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन जो माननीय है उनकी पेंशन बढ़ा दी गई हैं, माननीय जो लोग हैं उनकी बढ़ा दी गई हैं, 5 गुना 7 गुना बढ़ा दी गई हैं, और आम एम्प्लॉयज़ की ख़त्म कर दी गई है। हम मैंने ट्रेड यूनियन पे भी काम किया है, हम उस टाइम पे ये बात कहा करते कि ये पे कमीशन दो और इनकी तनख्वाह इतनी बढ़ाओ, जबकि 40,000 की मांग करते थे कई साल पहले की बात है ये। आज जो है
वहाँ डीसी रेट लाकर खड़ा कर दिया। डीसी रेट में 17,000 रुपये उसको मिलते हैं एम्प्लाइज को, 80,000 वो उसी सीट पर जो सरकारी एम्प्लाइज वो लेता है, कि 17,000 में उसका कैसे चूल्हा चलेगा। यानी क्या है, लोगों के श्रम को सस्ते में खरीदो, लोगों के उत्पादन को सस्ते में खरीदो और देश की जनता को महंगे में बेचो, देश की जनता को महंगे में बेचो, खरीदने में पैसा बचेगा और जो है बेचने में और दोहरा मुनाफा होगा और देश की जनता मारी जाएगी। देश की जनता के साथ मिलावट की जा रही है, खाद्यान्न पदार्थ किसान से असली खरीदे जा रहे हैं और उनके भाव, किसान का आलू पड़ा है खरीदार नहीं है, किसान का टमाटर पड़ा खरीदार नहीं है, लेकिन चिप्स की जो है ना कई 1,000 रुपये कीमत है जा रहा है बिल्कुल। इसी तरह से सूप की जो है इसी तरह से है, कॉटन जो है सस्ती है, कपड़ा महंगा है, यानी जो कृषि से माल लेते हैं वो सस्ता लेते हैं और उसको जो बेचते हैं गुणात्मक प्रणाली से बेचते हैं। यही वजह है कि इस देश का कैपिटलिस्ट मालोमाल होता जा रहा है, इस देश का किसान और मजदूर दिनों दिन जो है मरता जा रहा है। और ये सारा का सारा बाद में बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से। एक और बात क्लियर करता हूँ, 13 महीने का जो ऐतिहासिक आंदोलन चला, उस ऐतिहासिक आंदोलन में देश के किसान मजदूर कमेरा वर्ग ने समझ लिया कि वास्तव में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो इस देश का कैपिटलिस्ट है, मोदी लोदी ये जो है एक किस्म का मुखौटा है और ये उनके जैसे ऑपरेटर में कंपनी में काम करने वाले ऑपरेटर हैं उसी तरह से काम करके उनकी मर्जी का प्रोडक्ट ला प्रोडक्ट तैयार करते हैं और इसको किसी सूरत में सहन नहीं करेगा। किसानों का जबरदस्त आंदोलन होगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। बिल्कुल, देखा जाए यहाँ पर तो किसान का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ और यहाँ पर मोदी सरकार किसानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती नजर आ रही। अब देखना यह है कि यहाँ पर 16 तारीख को क्या कुछ होता नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आ रही है तो लग रहा है कि बार फिर से किसान आंदोलन की जो सुगबुगाहट है वो सुनने को मिल सकती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।